जितेंद्र ना सिर्फ अपने एक्टिंग बल्कि अपने यूनिक डांस स्टाइल और लुक्स के लिए भी काफी फेमस थे। अपने जमाने के सबसे हैंडसम एक्टर माने जाने वाले जितेंद्र ने 70 से 90 के दशक तक 200 से ज्यादा फिल्मों में काम किया था और काफी पॉपुलैरिटी बटोरी थी। आज हम जितेंद्र के बारे में नहीं बल्कि उनकी शादी से जुड़े रियल लाइफ किस्से के बारे में बात करेंगे। जितेंद्र की शादी 1974 में शोभा कपूर से हुई थी। दोनों के बीच काफी प्रेम है। जो किस्सा आज मैं आपको बताने जा रहा हूं, इसके बारे में जितेंद्र ने कई इंटरव्यूज में बताया है और उन्होंने ये किस्सा खुद कपिल शर्मा शो में भी शेयर किया था। बात 1976 की है। जितेंद्र को शूटिंग के लिए जाना था जिसमें उन्हें फ्लाइट से दूर की जगह जाना था, लेकिन उस दिन शोभा कपूर ने उन्हें जब तक चांद देखकर उनका चेहरा ना देख ले और वो उन्हें पानी ना पिला दे, उन्हें जाने से रोक दिया था क्योंकि उस दिन कड़वा चौथ था। इसी काम की वजह से जितेंद्र अपनी तय फ्लाइट पकड़ नहीं पाए और फ्लाइट छूट गई। जब वो घर की छत पर खड़े थे तब उन्होंने आसमान में कुछ दूर आग का गोला देखा और बाद में उन्हें पता चला कि ये वही फ्लाइट थी जिसमें उन्हें सफर करना था, जिस हादसे में 96 लोगों की मृत्यु हो गई थी। इस हादसे को याद करते हुए जितेंद्र शोभा कपूर के लिए भावुक हो जाते हैं। याद रहे कि ये वही जितेंद्र हैं जो कभी हेमा मालिनी तो कभी श्रीदेवी तो कभी जया प्रदा के पीछे लगे थे। किसकी वफादारी किसके काम लगी ये मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। साथ ही ऐसी ही मसालेदार लेकिन सच्ची खबरों के लिए जुड़े रहिए फिल्म तराना चैनल के साथ। धन्यवाद।